अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं, कुछ भी बाहर का नहीं खा रहे, सब घर का बना हुआ खा रहे हैं। जो लोगों ने बताया है कि हेल्दी है वो खा रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो बता रहे हैं हेल्दी हैं वो खा रहे हैं, सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं, रियलिटी में जेन्युइनली हेल्दी खा रहे हैं, फिर भी हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है? फिर भी हमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों है? फिर भी हमें नी में पेन, बैक में पेन, डायबिटीज़ क्यों है? सब कुछ तो हेल्दी खा रहे हैं। समझेंगे आज के इस एपिसोड में साइंटिफिकली और डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और जेन्युइन है कि लोग वाकई हेल्दी खा रहे होते हैं, उसके बाद भी उनका वजन बढ़ रहा होता है, उनके उसके बाद भी उनको बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, नी में पेन है, किडनी की प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा। तो आज समझेंगे वो तीन कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जो आपके हेल्दी फूड को बॉडी में जाते ही अनहेल्दी बना देता है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहला कारण है क्वांटिटी। क्वांटिटी से मतलब है कि जो आप खाना खा रहे हो आपको देखने में वो कम लग रहा है, तभी आप कह रहे हो कि आप कम खा रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो, और वो हेल्दी भी है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कैलोरी ज़्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटा सा गुलाब जामुन खा रहे हो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गुलाब जामुन हेल्दी नहीं है मुझे पता है, लेकिन सपोज करिए आप एक छोटा सा गुलाब जामुन खा रहे हैं तो उसमें 300 से 500 कैलोरी हो सकती है, जो कि 7 से 10 चपातियों के बराबर है। अब दिमाग में हमारे क्या है कि हमने तो छोटा सा गुलाब जामुन खाया है, लेकिन इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें खाने में होती हैं जो बहुत कैलोरी देती हैं और वो हेल्दी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल पीनट्स, एक मुट्ठी पीनट्स जो कि 20-25 ग्राम के बराबर होता है, वो 2 से 3 रोटियों के बराबर की कैलोरी देता है। मैरीगोल्ड बिस्किट, 2 से 3 बिस्किट एक चपाती के बराबर की कैलोरी देता है। भुजिया, थोड़ा सा नमकीन जो हम खाते हैं, 15 ग्राम, एक मुट्ठी भी नहीं, आधी मुट्ठी, वो 1 से 2 चपाती के बराबर की कैलोरी दे देता है। मखाना, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो देखने में छोटी होती हैं या लाइट होती हैं, कम होती हैं, वो कैलोरी ज़्यादा दे रही होती हैं, और वो कैलोरी आपकी टोटल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मुट्ठी पीनट्स में है ही क्या, थोड़ा से मखाने में क्या ही है, 2 मारीगोल्ड बिस्किट में होता ही क्या है। ये सोचते सोचते हमारी टोटल कैलोरी इतनी हो जाती है कि वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज कर लीजिए कि आपकी 2000 कैलोरी की टोटल रिक्वायरमेंट थी और आपने 2000 कैलोरी खा लिया, अब उसके ऊपर अगर आप स्प्राउट्स भी खाएंगे, जो कि बहुत हेल्दी माना जाता है और है भी, लेकिन वो स्प्राउट्स भी कैलोरी दे रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट से जैसे ही वो ऊपर होगा, वो आपकी बॉडी में जाके सिर्फ और सिर्फ परेशानी खड़ा करने वाला है। भले ही स्प्राउट्स हेल्दी हो, उसमें प्रोटीन हो, सब कुछ हो, लेकिन जब कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम देती है। तो क्वांटिटी पे मत जाइए, उसके कैलोरीज पे जाइए। आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो टोटल कैलोरी मैं खा रहा हूँ वो कम है कि ज़्यादा है, रादर देन ये देखना कि जो क्वांटिटी आप खा रहे हैं वो कम है कि ज़्यादा है। सो क्वांटिटी से कैलोरीज पे शिफ्ट होना ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है टाइमिंग। किस टाइम आप खाना खा रहे हो वो भी डिसाइड करता है कि खाना आपके पेट के अंदर जाके हेल्दी रहने वाला है कि अनहेल्दी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या आप खाना खाने के तुरंत बाद सोने वाले हो? सारा का सारा जो खाना है वो जहर बनने वाला है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो ये डिसाइड करता है। दूसरा, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अभी पूरा एक लंच किया है और लंच करने के बाद आपने एक कटोरी घर का बना खीर खाया, अब वो खीर खाने से क्या हुआ कि आपका जो पूरा फूड था उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होगा, ब्लड में ग्लूकोज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जब जितनी तेज़ी से ग्लूकोज बढ़ेगा उतनी तेज़ी से वो सेटल डाउन भी होगा, यानी कि बॉडी उस फूड को एफिशिएंटली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उस फूड से प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस फूड का, पूरे खाने का ग्लाइसेमिक लोड बढ़ गया। अगर आप वो खीर ना खाते तो वही लंच आपकी बॉडी में बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता, धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ता और इसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक ना होता, बॉडी बहुत आराम से उस खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती।
लेकिन सिर्फ उस खीर की टाइमिंग गलत होने से, हो सकता है वो खीर आपके टोटल कैलोरी की रिक्वायरमेंट के अंदर भी आ रहा हो लेकिन सिर्फ उसकी टाइमिंग गलत थी। अगर वही खीर आप 2 घंटे के बाद खाते तो इंसुलिन स्पाइक ना होता, जो लंच किया है उसका ग्लाइसेमिक लोड नहीं बढ़ता। तो आप खाना कब खा रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, और खाने के साथ जो खा रहे हैं वो उसी समय खाना है या थोड़ी देर बाद खा सकते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशन। जो आप खा रहे हैं उससे बॉडी की कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की या फैट की। अगर आप अपनी टोटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी खा रहे हैं, मान लेते हैं आप 1500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और आप 1500 कैलोरी खा रहे हैं, लेकिन क्या वो 1500 कैलोरी में पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं? क्योंकि उस 1500 कैलोरी में हो सकता है 600 कैलोरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो, 300 कैलोरी फैट की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन आप खा पूरा का पूरा 1500 कार्बोहाइड्रेट रहे हैं। तो क्या ये आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है? ये क्वेश्चन भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं वो क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, वो क्या फैट की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से पूरा कर रहा है। अगर आप 1500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट पे आप सिर्फ 1500 कैलोरी ही खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इवेंचुअली फ्यूचर में आपके मसल्स वीक होने लगेंगे, आपके मसल रिकवर नहीं होंगे क्योंकि प्रोटीन और फैट दोनों की कमी है, और ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके मसल सेल्स को रिकवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, ये 3 चीज़ें अपने आप से बहुत ईमानदारी से पूछना है कि जो क्वांटिटी आप खा रहे हैं क्या उसकी कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर है। दूसरा, जिस टाइम खा रहे हैं क्या वो टाइम आपके लिए सही है, कुछ भी खा रहे हो। और तीसरा, आपकी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन मिलने वाला है जो भी आप खा रहे हो, क्या आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या कुछ मिसिंग है। जब इन तीनों सवालों का जवाब आप अपने आप को ईमानदारी से दे देंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, विश्वास करिए आप कभी भी अनहेल्दी नहीं होंगे। दोस्तों, ये हेल्थ हमारा खुद का बनाया हुआ है, अच्छा या बुरा कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अवेयरनेस देने का, आपको इन्फॉर्मेशन देने का। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, और आपका काम यह है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसको सर्च करिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी सही है, क्या बॉडी का ग्लाइसेमिक लोड नहीं बढ़ना चाहिए, क्या बॉडी को क्वांटिटी से नहीं कैलोरी के हिसाब से खाना, ये सब रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।